Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं बनाने वाली हूँ फोटो फ्रेम. सो उसके लिए आपको चाहिए पेपर और आप उसे रोल कर दीजिएगा और उसके बाद हम उसे पेस्ट कर देंगे. मैं ग्लू यूज कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं उसे पेस्ट करने. और यहाँ मेरा कैट आ गया, ये इतना तंग करता है ना मुझे. मैंने इसे टेबल पे रख दिया, ला लिया था एंड इतना सता रहा था मैं. और इसके बाद मैं इसे पेंट कर दूंगी. मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ. यू कैन डू एनी कलर एज योर चॉइस. मैंने इसे पेंट कर दिया है और अब मैं इसे कट कर दूंगी. तो ऐसे मैं टोटल 13 बनाने हैं. 3 3 3 3 आने चाहिए 4 साइड्स पे प्रिंट. मैंने इतने सारे बना लिए हैं और अब मैं उसे जमा के बताऊंगी आपको इसे आपको कैसे रखना है. उससे पहले हम बना लेते हैं फ्लावर्स. फोल्ड करूंगी और उसे शेप दूंगी. आपने इसे ऐसे ड्रॉ करना है इसके ऊपर और उसे कट कर लेना है. ऐसा शेप रेडी हो जाएगा फिर. और आप इसे फिर कर दीजिए कलर. मैं यहाँ पर येलो और ऑरेंज कलर कर रही हूँ. आप इसे कौन सा भी कलर कर सकते हो. अब मैं बनाऊंगी येलो कलर का. सेम प्रोसेस है. सो यार रेडी हो चुका है. मैंने सारे फ्लावर्स भी रेडी कर लिए हैं और मैंने स्टिक्स भी रेडी कर लिए हैं और हम इसे असेंबल करेंगे. आप ग्लू, ट्रांसपेरेंट टेप, कौन सा भी टेप यूज़ कर सकते हो और उसको आपको पेस्ट कर देना है. और मैं यूज़ कर रही हूँ टेप. या 1 by 1 हम इसके ऊपर टेप को रोल कर देंगे सो लॉक टाइप हो जाएगा. फिर हम उसे एक साथ फिर से पेस्ट कर देंगे. तो यहाँ मैंने पूरा पेस्ट कर लिया है और अब बारी है इसके ऊपर फ्लावर पेस्ट करने की. तो फ्लावर में आपको क्या करना है, उसका एक 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 पेटल को हमें टर्न कर देना है पीछे की तरफ ताकि वो एक फ्लावर था शेप में. फ्लावर बना दिया है. अब मैं इस फ्लावर को पेस्ट कर दूंगी ग्लू की हेल्प से. आपका फोटो फ्रेम रेडी हो चुका है. यू कैन यूज फॉर